रहीम सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, शादोबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज की वीडियो शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले सब बहन भाइयों से हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है, मेरी बेटी को ना बहुत ज़्यादा बुखार है, तो इसकी ना जुबान भी गला भी सारा पक गया है, दाने वगैरह काफ़ी निकले हुए हैं, तो इसलिए बुखार भी काफ़ी ज़्यादा, इसकी उल्टी नहीं रुक रही। तो मेडिसिन भी काफ़ी ली है, आज भी लेके आए हैं। तो अभी कपड़े शपड़े चेंज इसके किए हैं, सर में काफ़ी कैदी दर्द हो रही है। मैंने कहा सर बांध के नहीं, इस तरह सो जो मेडिसिन दी है, तो मैं उतनी देर में मम्मा बेटिया क्या खाना है, आप कोई चीज़ बताओ ना, कोई थोड़ी सी चीज़ खाओ, क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ खानी है मुझे बता दो ना, फिर मैं बना दूंगी। हैं छिमियाँ खानी है, छिमियाँ क्या है, दूध वालियाँ, दूध वालियाँ खानी है। चलो मैं अपनी बेटी ने बना के दूंगी, हूँ रोना नहीं, ठीक है ना। हम दवाई खाधी है, सिर बन लिया, होनी मेरी बेटी ने ठीक हो जाना है, तो मैं सेवियाँ बना लेंदी उन्नी देर। फिर भाई समीर ने भी आ जाना, भाई कबीर तेरा आ चुका है, कबीर बेटा पावा पकड़ के नहीं बैठी था, मैं बहना उ तो मंजी ती लेटी, उठ पावा छड़ा दा मंजी दा, और तू ओदा सिद्ध वा, तो मैं उन्नी देर ना बॉल फुटबॉल उधर रख के ना, तो ओदा सिर दबाओ बहना, फिर बहना तेरे काम भी आंदी ना, तेरिया गल्ला भी मनदी है ना, नाले खिलौने शॉप शॉप सारे चुक के ना, सो शॉप जेडे शॉपर ने आ शॉप उठा के ना सारे अंदर भी रखने, अच्छा सारिया चीजा बखेरो ना, इस तरह नहीं कबीर, ए रख दे मगे दे पा देने जो मगा टुटिया, ए सारिया चीजा पकड़ के पा के इतना मैमा को रख दे। चलो हम मैं सेवियां बनावा के देव अपनी बेटी नू। चलो अच्छा बच्चा मेरा, मेरा बेटा नहीं रोंदा, चल बना दो सिर दबा ना, जेन भी लेटी हो नहीं हो दी तबीयत ठीक हो, लेटी तू बड़ा खराब हो जाता ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो बनना शुरू हो गया, अभी इसमें ऐड करती हूँ मैं सेवियां, सेवियां भी एक बॉल में मैंने निकाल के रखी हुई हैं, थोड़ी देर इसको पक के अगले दिन सेवियां पल की तरह की थी, उनमें से दूध खराब हो चुका था, तो थोड़ी देर उबाल लेती हूँ दूध को पहले। तो फिर फ्रिज बंद करो बेटा, क्यों खोल रहे थे बार बार, बंद करो इसे, फ्रिज में क्या रखा है, इसमें ज़रा मान ले रहा हूँ, सेवियाँ मैंने डाल दी हैं, अब थोड़ी सी सख्त भी हो चुकी हैं, थोड़ी सी नरम ही बनानी है, क्योंकि मेहमा का मुँह पका हुआ सारा, वो सारा चीज़ कोई भी नहीं खा सकती, इस तरह थोड़ी थोड़ी नरम ही बनाऊँगी, क्योंकि कुछ दूध होगा कुछ सेवियाँ तो वो खा सकेगी। अब रोते हुए फिर मेरे पीछे आ जाएगी मम्मा जी, फिर से जब कोई चीज़ खाई नहीं जाती फिर ज़्यादा रोती है। तो अभी मैंने शुगर डालनी है, बस इतनी सी नरम ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सख्त करूँगी तो फिर वो खाएगी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, फिर मैंने डाल दी है, अब एक दो उबाल आने तक पकाती हूँ, बाद में उतार लूँगी नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, ये सेवियाँ मैंने बना के बॉल में डालेंगे, क्योंकि प्लेटों में इसलिए नहीं डाली, थोड़ी सी नरम है, फिर नीचे गिरेंगी गर्म है, अभी बच्चों ने कहना कि हमें तो इसलिए अभी मम्मा बिटिया को जाके खिलाती हूँ कि क्या कहती है, खाती है या नहीं खाती है, तो उतनी देर में ये वाली फ्रिज में रख दूँगी, ठंडी हो जाएंगी थोड़ी सी, फिर खा लेगी जल्दी। सेवियाँ बच्चों को बना के मैंने दे दी हैं, पंखा चल रहा है, समीर बेटा स्कूल से आया, वीडियो में शोर भी आ रहा होगा, मम्मा बिटिया खाओ ना, मैं खिलाऊं आपको, हैं अच्छा चलो जल्दी करो, फिर जल्दी करो जल्दी,
जल्दी करो मैं बेटी ठीक हो रहा हूँ। समीर भाई भी आ गया ना स्कूल। समीर जल्दी खा गए यूनिफॉर्म उतार नहा के। जल्दी कर लो जल्दी। इधर आ मैम मैं खिलावा अपनी बेटी नू। मेरी तो अच्छी जी बेटी है। फिर थोड़ी बहुत कोई चीज़ खाएंगी तो फिर दवाई नहीं खानी। मैं खिलावा तेनू। मैंने मैमा को इधर अपने भाइयों के साथ बिठाया था इधर बैठ के समीर और कबीर के साथ थोड़ी बहुत कोई चीज़ खा लेगी लेकिन फिर भी नहीं खा रही। वैसे सवाइयाँ पड़ी है आगे कहती है कि सवाइयाँ बना दो मैं खा लूँगी लेकिन आप भी वो भी वैसे ही पड़ी हैं खा ही नहीं रही। तो मैं खुद कोशिश करती हूँ खिलाने की तो उसे मेडिसिन भी देनी है। मेडिसिन को खाएगी तो ठीक होएगी। आज भी फुल से छुट्टी हो गई है तो अगर दो चार छुट्टियाँ हो जाएँ तो जो चीज़ आती है वो भी भूल जाती है बच्चों से। इसलिए अभी रो रही है बैठ के तो अभी उसे मैं खिलाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेहमा बेटिया को काफ़ी बुखार है और साथ में कबीर को भी हो रहा है मौसम चेंज होने की वजह से, क्योंकि अंदर ज़्यादा गर्मी होती है लाइट चले जाती है तो पंखे बंद हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर अंदर ले बच्चे लेटते नहीं हैं तो इसलिए बाहर सोते हैं मच्छरदानियाँ लगा के। तो बाहर नमी वगैरह की वजह से जो बच्चों को मौसम चेंज होने की वजह से नज़ला बुखार ज़ुकाम हो रहा है। तो मेमा को तो बहुत ज़्यादा बुखार है उसका 104.5 पे बुखार है तो उसकी तो आंखें भी सारी फेस पे निकाल लेती है तो पट्टियाँ कर रही थी। तो अभी उसके लिए कोई चीज़ बनाई सेवियाँ बनाई हैं उसने वो भी नहीं खाई। पहले कहती थी मम्मा जी सेवियाँ बना दो तो अभी पट्टियाँ वगैरह की हैं तो कुछ तबीयत तो उसकी बेहतर हो गई थी तो फिर मेडिसिन वगैरह भी ली है वो भी दी है तो मेडिसिन से भी कोई सुकून नहीं हो रहा। तो इसलिए आज कबीर को भी बुखार हो गया साथ में। तो अभी देव छोटा देवर मेरा और बा देवरानी उसका ऑपरेट हुआ है तो वो उधर हॉस्पिटल से वापस आ गए तो उनकी भी जिम्मेदारी कुछ उन्होंने हमें दी है क्या हमारे कोई 2-4 दिन 10 दिन हमारा ना जो भी काम काज है जो भी घर के होते हैं वो आपने देखने हैं तो इसलिए उधर भी जाना है। तो आज अब चलती हैं उधर में साथ में उनका सेहत बेहत का भी पूछते हैं। घर आ चुके हैं तो उनका जो भी काम काज हुआ जो भी जितने इंसान कर सकता है वो करेगा क्योंकि अपना भी मोरों का मसला है इतने ज़्यादा काम नहीं होते। तो फिर भी कुछ बहन भाइयों की इंसानियत के नाते कुछ उनका भी करना चाहिए तो इसलिए क्योंकि हमारे इधर बहन भाई जो भी हैं एक दूसरे ऐसा कोई मसला बन जाए तो सारे एक दूसरे का बहुत ज़्यादा काम में ख्याल रखते हैं। तो इसलिए अगर आज उनकी बारी है कल हमारी भी हो सकती है किसी किस्म का कोई भी इंसान का मसला बन सकता है। तो इसलिए मेमा के पापा की कॉल आई थी कि भाई ने कॉल की हुई है तो उधर जाना तो उधर चलती हूँ और जो भी सीन बनता अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि सीन तो हमारे अपने घर का ही होगा अपने ही होगा क्योंकि वो लोग हम नहीं लेके आना चाहते इसलिए उनका अपने काम काज हैं और हमारे अपने हैं तो इसलिए हम अपने ही करते हैं। और अभी जो भी करना है सबसे पहले तो चाय मैंने रखी हुई है चूल्हे पे चाय पी के तो फिर चलती हूँ। और उधर जाके भी जो भी हुआ वो भी बहन भाइयों के साथ शेयर करूँगी। और पहले तो मेमा को मेडिसिन देती हूँ दोबारा फिर एक दफ़ा तो बच्चे भी बीमार है घर से जाने को दिल भी नहीं कर रहा तो लेकिन उनका घर भी हमारे घर के पिछली साइड पे है इधर किचन के पीछे जो दीवार है वो हमारी सांझी है। इधर भी उनकी अपनी दीवार है हमारी अपनी तो लेकिन इधर पिछली साइड पे जाना है तो चलते हैं और देखते हैं अपने बहन भाइयों को और मेमा बिटिया की मेडिसिन देते हैं तो उतनी देर में समीर बेटा भी आ जाएगा स्कूल से फिर उसे भी खाना शाना देना होता है तो चलते हैं।